अफगान टीम जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए आ गई है। सफीर की बेटी के लिए का जो केस है, मैंने आज आईजी पुलिस को हिदायत की है कि फॉरेन ऑफिस से रबते के बाद जो असल हकीकत है, सच्चाई पर मबनी, अफगान इन्वेस्टिगेशन कमेटी के हवाले कर दी जाए। अफगान सफीर की बेटी के वाक़े की तहकीकात करने अफगानिस्तान से टीम आ गई। आईजी इस्लामाबाद को तफसील फराहम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखला शेख रशीद कहते हैं, केस पर हमने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं, पुलिस तमाम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। नूर मुकदम केस पर कहा, कातिल को सजा जरूर मिलेगी। वज़ीर दाखला का दासू डैम वाक़े पर बात करने से इनकार। सालों से बैरून में बैठे तनख्वाह लेने वाले सरकारी मुलाजमीन को भी 30 अगस्त की मोहलत दे दी, ड्यूटी पर रिपोर्ट करें वरना नौकरी से फारिग। मुल्क की सियासत पर बात करते हुए बोले, इक्तदार के भूखों का जुम्मा बाजार लगा हुआ है, सारी सियासत मीडिया कैमरों के लिए हो रही है, नून लीग को नुकसान उसकी पॉलिसी और जबान ने पहुंचाया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानतें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। FIA का मौकिफ है कि दोनों मुलजिमान रमजान शुगर मिल के बेनिफिशरी हैं, जिसके जरिए 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। अगर जमानत पर रहा तो तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकती, मुलजिमान तहकीकात में ताबुन नहीं कर रहे। कराची के एक्सपो सेंटर समेत तमाम मराकज पर वैक्सीन लगवाने वालों का रश। सिंध हुकूमत ने शहर में 11 मराकज को 24 घंटे फाल तो कर दिया, लेकिन मराकज पर वैक्सीन कम पड़ गईं। मुख्तलिफ सेंटर्स पर वैक्सीन खत्म, दूसरी डोज लगवाने वालों को वापस भेजा जा रहा है। बेशतर मराकज पर एस्ट्राजेनिका, पाकवैक, कैंसाइनो और साइनोफॉर्म मौजूद ही नहीं। नए माली साल के पहले माह में महंगाई में 1.3% इजाफा, जुलाई में महंगाई की शरह 8.4% रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात की अदाद शुमार जारी। एक माह में टमाटर 82, प्याज 35% महंगी हुई। घी, खाने का तेल, चीनी, मसाले सबके दाम बढ़े। चिकन और फलों की कीमतों में कमी देखी गई। और लकी मरवत के इलाके दौलत खेल में पुलिस के खिलाफ एहतजाज। खवातीन ने इल्जाम लगाया कि रात गए पुलिस दीवारें फलांग कर दाखिल हुई और हमारा सामान लूट कर ले गई। खवातीन पर भी तशद्दुद किया।